सो हे गाइस, मैं हूं गौरव। आप देख क्रेजी टेक गौरव। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप टेक गैजेट जो कि आपको मिलेंगे सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर। सो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी कि टॉप टेक अंडर 1000, टॉप टेक अंडर 500, टॉप टेक अंडर 250, बट मैंने इस लिमिट को आज किया और पुश, और मैं लेके आया हूँ टॉप टेक अंडर 100। सो मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे 5 गैजेट जो कि आपको 100 रुपए से कम के अंदर मिलेंगे, और साथ ही साथ में ये गैजेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फालतू गैजेट नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने वाला बहुत ही अच्छे टाइप के गैजेट्स जो कि आपको सिर्फ 100 रुपीज के अंदर मिलेंगे। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं अनबॉक्सिंग टेबल की तरफ, और ये हमारा पहला गैजेट। ये आप इसे प्लास्टिक केस बोल सकते हैं आपके फ़ोन के लिए। आप सोच रहे हैं इसमें ऐसा स्पेशल क्या है जो मैंने इसे टॉप टेक अंडर 100 की सीरीज़ में लिया है। सो आपको मैं इसका स्पेशल फीचर बताऊंगा आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाटर प्रूफ है। आप इसे स्विमिंग पूल के अंदर भी और साथ ही साथ में बारिश में भी यूज़ कर सकेंगे। आपके फ़ोन को बिल्कुल पानी से बचाता है और किसी तरह का पानी अंदर नहीं जाने देता है। और इसमें 3 लेवल की सील आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल, 3 सील है, जिससे इंश्योर होता है कि पानी बिल्कुल ना जाए। और फिर आप ये अच्छे से टाइटली इसे पैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से रखा गया है। सो अब मैं बताऊँ इसका फीचर। फीचर ये है कि आप इसमें अंदर डाले डाले भी अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये नॉर्मल प्लास्टिक में जैसे आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, बट इसमें क्या है कि आप फ़ोन अंदर रखे रखे भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक और स्पेशल फ़ीचर है कि आप इसमें जो ऑडियो है वो ऑडियो भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि ऑडियो आपको सुनाई दे रही होगी। ये प्लास्टिक से निकलने के बाद भी ऑडियो सुनाई देती है इसमें से। अब है अपना सेकंड गैजेट। सो सेकंड गैजेट हमारा ये है। सो ये एक तरह का स्टैंड है, आप देख सकते हैं। इसके आजू बाजू में लिखा हुआ है मैजिक ब्रेसलेट मोबाइल स्टैंड। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके पढ़ भी सकते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है। और मैजिक ब्रेसलेट लिखा हुआ है, कार में भी लगा सकते हैं आप इसे। आप इसे टेबल पे भी लगा सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे यूजेस। आप इसे दीवार पे भी लगा सकते हैं। और मैं आपको इसके अब इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि और इसके क्या है। सो अनबॉक्स करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा ये स्टैंड, और कुछ नहीं था बॉक्स के अंदर। सो हमें दोनों तरफ देख सकते हैं सक्शन कप से जो कि होल्ड करता है अंदर, बीच में एलुमिनियम जो कि फ्लेक्सीबल आप मोड़ सकते हैं। साथ ही साथ में बीच में डबल साइडेड, या अगर आप परमानेंट इसे फिक्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये प्योर मेटल से बना हुआ है, सो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है। आप इस तरह से इसे फिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी सही में काफ़ी अच्छी, क्योंकि ये सिर्फ एल्यूमिनियम और साथ ही साथ मेटल का बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसे किस तरह से स्टैंड में लगा के मैं यूज़ कर रहा हूँ, और देख सकते हैं कितना मजबूत है। टेबल उठ गया लेकिन ये निकल नहीं रहा था। साथ ही साथ में इस तरह से आप मेरी वीडियोज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मेरी वीडियोज़, इस तरह से आप वीडियोज़ भी यूट्यूब पर इंजॉय कर सकते हैं इसे। इस तरह लगा से आपको हाथ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो और भी आपको बताता हूँ कि अगर आपको जैसे फ़ोन यूज़ करते हो तो आप इस तरह से पोर्ट्रेट मोड में फ़ोन लगा के फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड गैजेट के बारे में। सो थर्ड गैजेट है, ये बहुत ही छोटा सा है बट बहुत बड़े काम करता है। जो आईफोन यूज़र है ये स्पेशली उनके लिए। सो आपको तो पता ही होगा कि आईफोन का जो एक्सेसरीज है वो कितनी महंगी आती है। मतलब आप आईफोन का जो एयरपॉड आता है वही आपको 16,000 का, तो आप खुद अंदाज़ा लगे जब चार्जर होगा तो वो चार्जर कितने का आता होगा। सो और आप लोकल चार्ज चार्ज करते हैं तो आपके बैटरी में प्रॉब्लम आ सकता है। सो ये उसको हटाने के लिए आप जैसा देख सकते हैं ये आईफोन का है, जिसमें लाइटनिंग केबल सामने दी गई है, और साथ ही में ओरिजिनल वीवो का चार्जर। सो आप ओरिजिनल चार्जर को जस्ट के अंदर प्लग कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ओरिजिनल चार्जर से, मतलब ये आईफोन जैसा चार्ज नहीं करेगा बट हाँ ये फ़ोन के साथ आता है वो वाला चलना ओरिजिनल चार्जर है। और साथ ही साथ में अगर आप मान लीजिए कभी आप बाहर हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं लेकिन आपका आईफोन चार्ज करने का पोर्ट नहीं है, या आप जहाँ ट्रैवल कर लेकिन आप चार्जर लेकर ट्रैवलिंग के तो आप इसे लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। आप किसी भी चार्जर से इसे फिक्स कर सकते हैं और साथ ही साथ में लगा के यूज़ कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट गैजेट है ये। सो ये माइक है। सो ये माइक आपने बहुत जगह देखा होगा, जेनरिक का माइक है, जस्ट कैजुअल, जो कि 100 रुपीज़ से थोड़ा सा ऊपर आता है, 115 रुपये का आता है। सो ये जो माइक है ये आप 3.5 mm जैक के साथ आता है, जिसे आपको यूज़ करना है किस तरह मैं बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको अपना 3.5 mm वाला जैक पकड़ना है, अपने फ़ोन के जो हेडफोन जैक है उसके अंदर बस इसे पोर्ट कर देना है। और पोर्ट करेंगे फिर आप यू आर रेडी गुड टू गो, मतलब आप इसे अब यूज़ कर सकते हैं, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में अब बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक सी है। साथ ही साथ में फोम हटाएंगे तो अंदर देखेंगे आप मेटल की पूरी बिल्ड है, और साथ ही साथ में ये विंडशील्ड भी दिया जाता है आपको साथ साथ में। और इसकी केबल भी काफ़ी अच्छी खासी 1.5 मीटर्स की, मतलब अच्छी खासी लंबी 1.5 मीटर्स की है। और इसके साथ आपको साथ ही साथ में क्लिप भी मिलता है मेटल का, जिसे आप टी शर्ट पे शर्ट पे टाई करके अपना यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट गैजेट की। सो नेक्स्ट गैजेट ये वायर है, ये आपने नहीं देखा होगा, बाकी सब गैजेट तो आपने कहीं देखा भी होगा बट ये गैजेट थोड़ा यूनिक है। सो ये गैजेट क्या, मैं आपको बताता हूँ। सो ये गैजेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब इसे बहुत अच्छा है, और आपको मैं अब बताता हूँ आगे इसका मतलब यूजेस क्या है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
स्पेशली जो DSLR यूज़ करते हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं उनके लिए। देख सकते हैं ऊपर में USB पोर्ट है, नीचे में आप देखेंगे कि ऐसा जो पुराने अपन चार्जर रहते थे उस टाइप के पोर्ट है, और साथ ही साथ में वायर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, वायर काफ़ी मोटा है एक्चुअली में, काफ़ी मोटा है। इसको मैं आपको एक काम करता हूँ, कंपेयर करके दिखाता हूँ जो ओरिजिनल फ़ोन के साथ चार्जर आते हैं उसके साथ आपको इसका कंपेरिजन दिखाऊँ, तो देख सकते हैं चार्जर का वायर कितना पतला है और ये ब्लैक वाले जो वायर मेरे हाथ में ये कितना मोटा है। और ये सिर्फ 60 रुपीज़ की वायर है, 60 रुपीज़ से महंगी नहीं है वायर, सिर्फ 60 रुपये की आती है। साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी सही में काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको यूज़ बताता हूँ, पहला यूज़ क्या है इसका, पहला यूज़ ये है कि आप इसे हार्ड डिस्क में लगा के एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो मैं मेनली बोला DSLR यूज़र के लिए है, सो DSLR यूज़र का क्या यूज़ है, जैसे मेरे पास DSLR है जिसका जो माउंट है वो फ्लिपेबल नहीं है, और इसके साथ हाँ और आपको ये करने के लिए OTG केबल भी चाहिए होगा, सो आप एक OTG केबल खरीद लेंगे तभी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो जैसा कि मेरे उसमें जैसे DSLR में फ्लिपेबल स्क्रीन नहीं है, सो मैं नहीं देख पाता हूँ मैं क्या शूट कर रहा हूँ, बट ये जो है आपकी उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपना OTG केबल पकड़ना है, इसको OTG केबल का USB वाला उसमें लगा देना है, लगाने के बाद आपको जस्ट इसका जो सामने का है उसको अपना फ़ोन पकड़ना है, फ़ोन के उसमें लगा देना, और आपको जस्ट DSLR डैशबोर्ड नाम का एक एप्लीकेशन होता है, DSLR डैशबोर्ड, ये आपको प्ले स्टोर में खरीद सकते हैं, और साथ साथ अगर चाहें तो आप फ्री में भी इसे ओपन सोर्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं तो फ्री में ओपन सोर्स से डाउनलोड करके यूज़ करता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको उसे कैमरे में कहाँ लगाना, कैसे यूज़ करना है। सो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, अपना कैमरा लेना है, कैमरे में आप जैसे ये पोर्ट है, सो कैमरे में आप देखेंगे साइड में दिया रहता है, तो इसे हटाएंगे तो एक HDMI का होता है और एक ये होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको HDMI और लेमिनी HDMI के नीचे जो आप देखेंगे उसमें पोर्ट दिया होगा, ये हर DSLR में दिया रहता है, कोई मैटर नहीं करता कौन सा डिस्क, क्योंकि हर DSLR में दिया रहता है, आपको जस्ट उसके अंदर प्लग कर देना, और प्लग करने के बाद बस। सो गाइस अब मैं आपको लास्ट में, आपने सारे गैजेट्स देख लिए होंगे, होप आपको पसंद आया होगा कि गैजेट्स आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट करके बताना, और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो आपको एक टिप देता हूँ कि मैंने जितने भी गैजेट दिखाए हैं वो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, नीचे लिंक दी होगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑफलाइन जाके आप बाय करो, क्योंकि ऑफलाइन में जो है आपको वो प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट सस्ते होते हैं वो अमेजोन पे अगर बिकते हैं तो उसमें टैक्सेस ये वो बहुत कुछ जुड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डिलीवरी करना उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इस चलते जो अमेजोन में होता है वो सस्ते प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रोडक्ट्स आपको मैंने दिखाए हैं वो प्रोडक्ट्स आप जाके ऑफलाइन मार्केट से अपने लोकल मार्केट से बाय करें, आपको बहुत ही चीप रेट से मिल जाएंगे, और जो प्राइस मैंने बताया उसके आसपास में मिलेंगे, 10 रुपये कम ज़्यादा में आराम से मिल जाएंगे, कोई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, कुछ भी डर तो नीचे कमेंट कर देना, साथ ही साथ में और अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।